जब दो मुल्कों के बीच युद्ध छिड़ा तो सबसे ज्यादा चोट इंसानियत को पहुंची। रूस ने यूक्रेन पर बम बरसाए और देखते ही देखते तमाम शहर खंडहर में तब्दील हो गए। एक साल से चल रहे इस युद्ध ने न जाने कितनी जिंदगियां तबाह कर दी, न जाने कितने परिवार बिखर गए। इस युद्ध के दर्द से आने वाली पीड़ा भी अछूती नहीं रहेंगी। अपने अपने रुख पर कायम रूस और यूक्रेन की जिद ने ही इस जंग की शुरुआत की थी। एक साल पहले किसी ने सोचा नहीं था कि ये जंग इस कदर लंबी खिंच जाएगी। कयास लगाए जा रहे थे कि रूस जैसी महाशक्ति के सामने यूक्रेन जल्दी ही घुटने टेक देगा, लेकिन अमेरिका और नाटो देशों की मदद से यूक्रेन एक साल के बाद भी रूस के सामने डटकर खड़ा है। रूस और यूक्रेन की जंग के दौरान हिंदुस्तान शुरू से ही शांति की अपील करता रहा। इस जंग में हिंदुस्तान किसी का पक्ष न लेते हुए सिर्फ शांति का पक्षधर बना रहा। जंग शुरू होते ही भारत ने सबसे पहले यूक्रेन में फंसे अपने नागरिकों की सुरक्षित वापसी का रास्ता निकाला। भारत से तमाम छात्र पढ़ाई के लिए यूक्रेन जाते हैं। ऐसे में इन छात्रों की सकुशल वापसी के लिए सरकार के मंत्री और तमाम आला अधिकारियों ने दिन रात काम किया। यूक्रेन से निकलने के कई रास्ते बंद हो चुके थे, लिहाजा तमाम छात्र दूसरे देशों के रास्ते भारत वापस आए। अपने नागरिकों की सुरक्षित वापसी के साथ साथ भारत लगातार दोनों देशों से शांति की अपील कर रहा। इस जंग में एक तरफ रूस था तो दूसरी तरफ अमेरिका से मदद ले रहा यूक्रेन। भारत के रिश्ते रूस और अमेरिका दोनों से ही अच्छे हैं, लिहाजा भारत ने किसी का पक्ष न लेते हुए सिर्फ बेकसूरों की हत्या की निंदा की। युद्ध शुरू होने के कुछ महीनों SCO समिट के दौरान PM नरेंद्र मोदी की मुलाकात पुतिन से हो गई। इस मुलाकात में भी प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन से कहा, आज का युग युद्ध का नहीं। यही नहीं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जब यूक्रेन में रूस की सैन्य कार्रवाई के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया गया तो भारत इस प्रस्ताव से भी दूर रहा। खास बात ये रही कि भारत के इस रुख पर अमेरिका ने भी ऐतराज नहीं जताया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की पहचान अब ऐसे देश के तौर पर होने लगी जो यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे विवाद को खत्म करने में कूटनीतिक भूमिका निभा सकते हैं। अमेरिका ने तो ये भी मान लिया कि रूस और यूक्रेन से अच्छे ताल्लुक रखने वाला भारत इस युद्ध को खत्म करने की राह निकालने में मददगार साबित हो सकता है। भारत और अमेरिका क्वाड देशों में ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ शामिल है। वहीं दूसरी तरफ रूस के साथ भी भारत के कूटनीतिक रिश्तों का लंबा इतिहास रहा है। इस लिहाज से भी युद्ध को खत्म करने में भारत की भूमिका पर पूरे विश्व की नजरें टिकी है। इस साल मार्च के महीने में G20 और रायसीना डायलॉग्स के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 40 देशों के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक करने वाले हैं। माना जा रहा कि इस मीटिंग में रूस यूक्रेन युद्ध पर चर्चा जरूर होगी और भारत इस युद्ध को खत्म करने का फार्मूला सुझाकर बड़ी पहल भी कर सकता है। इस साल सितंबर के महीने में होने वाली G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत कर रहा। G20 सम्मेलन का एजेंडा भी मार्च में होने वाली बैठक में तय हो जाएगा। जाहिर है अगर भारत यूक्रेन और रूस के बीच चल रही जंग में अमन का पैगाम लाने में कामयाब रहा तो ये पहल पूरी दुनिया में शांति बहाली की मिसाल बन जाएगी। आपका क्या कहना है, भारत रूस के साथ है या फिर यूक्रेन के? कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।